खुदा के कदमों में आए हैं। खुदा फरमाता है कलाम में कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए जो हैं वो थोड़े, तो खुदा उन थोड़े लोग जो है ना उनमें बढ़ती कर देता है। हम थोड़े जो है ना, एक जने 50 के बराबर बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो हम लोग खुदा के दूरी में थोड़े हैं, कोई बात नहीं, खुदा का रहम है, खुदा का शुक्र है। आज शबत का दिन है और इतवार का दिन है और आज 5 तारीख है, जून का महीना है, और आज सबसे खास बात यह है कि आज पेंटिकॉस्ट का दिन, पवित्र आत्मा का दिन है। आज का दिन बड़ा खास दिन है, आज का पवित्र आत्मा का दिन है, पवित्र आत्मा को पाने का दिन है, पवित्र आत्मा को समझ लेने का दिन है और पवित्र हो जाने का दिन। तो खुदाबंद अपने कलाम में आज का खोल के रखेंगे, प्रेरितों के काम की किताब खोल के रखेंगे, उसका दूसरा अध्याय खोल के रखेंगे, जहाँ ज़रूरत होगी तो मैं आपसे कहूँगा। जैसे हम लोग आज इस घर में बैठे हैं, जब प्रभु यीशु मसीह की शहादत के दिन आए, वो मारा गया, वो दफना दिया गया, वो पापियों के संग गिना गया, वो मुर्दगाह में डाला गया, वो कब्र में डाला गया, मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चला गया, तो इन सारी चीज़ों से जो लोग थे वो सारे डरे हुए थे, सारे चेले खुदा के सारे जानने वाले लोग डरे हुए थे और डर के मारे अपने आप को दरवाज़ों में बंद रखते थे। आज का किस्सा भी ये कहता ही है, जबकि उसके सारे लोग, उसके सारे चेले अपने आप को घरों में बंद किए हुए थे, तो अचानक से एक तूफान की आवाज़ घर के अंदर आ गई, एक बहुत बड़ी आंधी की आवाज़ घर में आ गई, बहुत बड़ा शब्द हो गया और वो परिवार जो घर था ना वो बड़ी आवाज़ के साथ गूंज गया। जब पवित्र आत्मा उतरता है तो ऐसे हालात होते हैं, ऐसे हालात बन जाते, सारा घर जो है वो गूंज गया और जितने लोग थे उनकी जुबानें जो हैं वो बदल गई, जीभें, उनको नई जुबान मिल गई, फटती हुई जुबानों की तरह उनके ऊपर आ गई और हर एक की जुबान पर वो पवित्र आत्मा वाली जुबान जो है वो सारी आकर के ठहर गई। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय है, उसकी तीसरी आयत बयान करती है कि सारा घर जो था वो बड़ी आवाज के साथ गूंज गया। किसको मिला, पढ़ें जरा। और उनमें आग के समान जीभें विभाजित होती हुई दिखाई दी और उनमें से प्रत्येक पर 8 है, और उनमें से हर एक पर वो पवित्र जुबान जो है वो आकर के ठहर गई। वो लोग पवित्र हो गए, पवित्र आत्मा उनको मिल गया और पवित्र आत्मा से भर करके वो प्रचार करने लगे। वो सब चौथी आयत बयान करती है कि वो सारे ही पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषाएं जो हैं वो बोलने लगे। खुदा का पवित्र आत्मा जो है उन पर उतरा। एक बात मैं यहां पर और क्लियर करता हूं कि पवित्र आत्मा जब आता है तो वो आपसे ये नहीं कहता कि आप अलग अलग जुबानें बोलने लग जाओ, वो अलग अलग जुबानें नहीं बोल रहे थे, वो जुबान अपनी ही बोल रहे थे पर सुनने वाले जो लोग थे वो समझ रहे थे कि ये हमारी ही भाषा बोल रहे हैं, ये खुदा का पैगाम है, खुदा की बातें हैं। जब खुदा बोलता है तो वो सबको समझ आता, चाहे वो जर्मनी का रहने वाला हो, चाहे वो अमेरिका का रहने वाला हो, चाहे वो मोहम्मदन हो, चाहे वो सिख हो, किसी भी देश का रहने वाला हो, तो वो खुदा के कलाम को अपनी जुबान में सुनने लग जाता है। वहाँ पर जितने यूनानी खड़े थे, यहूदी खड़े थे, जर्मनी खड़े थे, इटालियन खड़े थे, सब लोग ये समझ रहे थे कि ये हमारी भाषा ही बोल रहे हैं, बोल तो वो अपनी भाषा ही रहे थे। ये खुदा की वाणी है, खुदा का पाक और पवित्र कलाम है। हफ्ते का पहला दिन था जब वो सारे एक जगह पर इकट्ठे थे, दरवाजे बंद थे और वो
खुदा खुद उनमें आकर के खड़ा हो गया। ऐसा लिखा यूहन्ना की अंजील है उसका 20 अध्याय है उसकी 19वीं ज्ञात करती है कि हफ्ते का पहला दिन, आज हफ्ते का पहला दिन है, शब्द का दिन है, आप लोगों ये घर है, ये परिवार है, यूहन्ना 20 की 19 उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। आज संसार की सबसे बड़ी जरूरत है पीस ऑफ माइंड, शांति। लोगों के पास पैसा है, धन है, दौलत है, जमीन है, जायदाद है, कोठी, बंगले, गाड़ियां, सब कुछ है, अगर उनके पास कुछ नहीं है तो शांति नहीं। वो मन से बेचैन है। और खुदा का कलाम आज पेंटिकॉस्ट के दिन आपसे कहता है तुम्हें शांति मिले। आगे और कुछ लिखा हुआ है, वो देख करके 20वीं आयत लिखती है, 20वीं आयत, वो प्रभु को देख करके बहुत खुश हो गए। आज खुदा का कलाम आज आपसे बातचीत करता है, आपसे कहता है कि जॉय, पीस, पावर एंड लाइफ इज गिवन बाय द जीसस क्राइस्ट। खुदा आपको देता है ये सारी चीजें। और इसी 19 के आगे लिखा, 20वीं आयत लिखती है कि प्रभु को देख करके वो चेले खुश हो गए। तीसरी बात वहां लिखी हुई है कि वो पवित्र आत्मा से भर गए। खुदा ने खुद कहा कि पवित्र आत्मा ले लो, जब तक मसीहा, जब तक खुदा आपको पवित्र आत्मा ना दे आप पवित्र आत्मा नहीं पा सकते, जैसा कि आजकल हो रहा। हाथ लगाओ, बिशप हाथ लगाता है, पादरी हाथ लगाता है तो लोग गिरते चले जाते हैं, गिरते चले जाते। और ऐसे एपिसोड को देख करके दूसरे लोग बड़े बुरे बुरे कमेंट करते हैं क्रिश्चियन लोगों को। ऐसा नहीं होगा। जब खुदा का बेटा मसीहा यर्दन नदी में बपतिस्मा लेकर के बाहर आया तब उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। 33 साल 30 साल की उम्र में जब उसने जाकर के बपतिस्मा लिया, जैसे ही वो पानी से बाहर आया तब पवित्र आत्मा उतरा और ऊपर से आवाज आई, आकाश खुल गया, आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो ऐसे होता है, तरह तरह के ढोंग करना ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है, वो गिरा देता। मसीहा आया था इस दुनिया में गिरे हुओं को उठाने आया है और ये गिराने में लगे हुए। तो यीशु ने हाथ रखा तो कोई भी नहीं गिराया। हाँ, उसने हाथ रखा, उसने तो हाथ पकड़ करके संभाला लोगों को, गिराया नहीं है। उसने डूबते हुओं को बचाया है, उसने गिरते हुओं को उठाया है, उसने मरते हुए लोगों को बचाया है, उसने गिराया नहीं है, उसने जमीन पर गिरे हुए लोगों को उठाया है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और सारे यरूशलेम में, सारे यहूदिया में, सारे सामरिया में, इस जमीन की छोर तक मेरे गवाह हो जाओगे। गवाह, पवित्र आत्मा आएगा, वो तुम्हें वो सारी बातें बताएगा। अभी तक हमें तो नहीं मिला, मैं पादरी आदमी हूँ, मैं नहीं कह सकता कि पवित्र आत्मा मुझे मिल गया। मुझे तो इतना ही बहुत है कि खुदा मुझे सुबह नाम लेकर के बुला लेता है, मुझे कहता है कि चल बेटा जो कलाम मैं तुझे दूंगा वो लोगों को बांट देना, लोगों को दे देना, मेरे लिए तो यही काफ़ी है। और खुदा की नज़र मुझ पर रहे, मेरे लिए यही काफ़ी है। आज की मेन आज थी जो 20 की 19 मैंने पढ़ी, 19, 20, 21 में लिखा हुआ है कि जॉय, पीस, पावर एंड लाइफ इज गिवन टू यू। जब सारे बंद दरवाजों में बैठे हुए थे खुदा उनके बीच में हाजिर हो गया और उनसे कहा कि पवित्र आत्मा ले लो। 22
भी आयत का दूसरा हिस्सा बयान कर रहा है, खुदा खुद देता है जिसको देता है, वो एक सहायक के रूप में देता है। वहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है जरा पढ़ेंगे, 22वीं आयत का दूसरा हिस्सा, पवित्र आत्मा ले लो, खुदा देता है, खुद देता, कोई अपने आप नहीं ले सकता। जब तक आजकल लोग कहते हैं मुझे मिल गया, खुदा जिसको देना है खुदा खुद देगा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा वाले लोग सच्चे लोग होते हैं, सच्चे लोग होते हैं, ठीक है। वो पाप और पवित्रता की बातें करते हैं, उनमें फल बल और फ्रेम जो है वो नहीं होता है। जब वो सब प्रार्थना कर चुके ना, तब ये किस्सा हुआ है। रेटों के काम निकाला हुआ आपने, उसकी चार बात है, उसकी 31वीं आयत है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो सारा घर जिसमें वो थे हिल गया और सब लोग पवित्र आत्मा से ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो पढ़ेंगे। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन के हियाव से सुनाते रहे। परमेश्वर का पाक और पवित्र कलाम बड़े ही हियाव से सुनाने लगे। कोई पता नहीं, जल्दी साहब अभी ऐसा मौजूदा हो जाए, अभी इसी वक्त जिस तरह वो घर में बैठे थे, आज हम भी घर में बैठे हुए, छत चराहट की आवाज़ आई, गूंजने लगा घर, खुदा की आवाज़ आ गई और खुदा ने खुद हाजिर हो गया और खुदा ने कहा पवित्र आत्मा ले लो। हो सकता अभी हो जाए, हो सकता है कि अभी हो जाए। मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक देगा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जा करके एक सहायक भेजूंगा। क्या आपने उस सहायक को मांगा? सवाल ये उठ जाता है, क्या आपने उस सहायक को अपने साथ दाहिने हाथ देखा? खुदा ने आपको एक सहायक दिया हुआ है, क्या आप उस सहायक को महसूस करते हैं कि वो सहायक मेरे साथ है? खुदा का वादा, वो कहता है यूहन्ना नबी की किताब उसका 14 अध्याय उसकी 16वीं आयत बयान करती है कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा और वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। आज थोड़ा सा कलाम थोड़ा हट गया है, पहले होता था कि मसीहा तुम्हारे साथ है, खुदा तुम्हारे साथ है, आज का कलाम एक नया पैगाम देता है कि मैं एक सहायक तुम्हें दे दूंगा और वो हर जगह पर तुम्हारी रक्षा करेगा। पढ़िए जी, काम 14 की 16, और मैं पिता से विनती करूंगा और वे तुम्हें एक एक और सहायक देगा और कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। जब हम परेशानी में हो जाते हैं, दुख में हो जाते हैं, तकलीफ में हो जाते हैं, आपने कभी उस सहायक से मदद मांगी? खुदा का वादा है कि मैं एक सहायक तुम्हें दूंगा और वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। 26वीं आयत बयान करती है वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा तुम्हें दे देगा और जिसे पिता मेरे नाम से तुम्हारे पास भेज देगा। पढ़िए जी, कहाँ लिखा है? 14 की 26, तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम्हारे लिए पिता से विनती करूँगा, क्योंकि पिता स्वयं तुमसे प्रेम करता है इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम किया है। बस जी बस, वो एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हें दे देगा और तुम जो कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे वो पवित्र आत्मा तुम्हें दे देगा। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पात्र, आप तीनों में से किसी का भी सहारा ले सकते हैं। अब आपके पास एक एक खुदा नहीं है, अब आपके पास खुदा बाप भी है, खुदा बेटा भी है और खुदा पाक भी है। अब आपके चारों तरफ ये तीनों चीज़ें हैं,
आप फिर भी आप परेशान होते हैं, फिर भी एक चीज़ ही नहीं, वो एक ही बादशाह का बादशाह, आपके पास तो तीन तीन चीज़ें एक साथ हैं। पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ बताएगा, तुम्हें सब कुछ समझाएगा, तुम्हें सही रास्ता बताएगा, तुम्हें सच्चाई बताएगा, तुम्हें हर एक शैतान की युक्तियों से बचा करके रखेगा। और आज आपको एक नया हुक्म देने जा रहा है, यूहन्ना की अंजील खोल रखी थी हमने, उसका 20वां अध्याय खोल रखा था, 22 की दूसरा 22वीं आज पढ़ी थी कि पवित्र आत्मा ले लो, इट्स अ न्यू लाइफ, जॉय, खुशी, पीस, शांति, पावर, ताकत और लाइफ, जिंदगी, आपको चारों चीज़ें आज नए सिरे से दे दी गई। खुदा ने आपको चारों चीज़ें आज दी हैं, आपको खुशी दी है, आपको पीस ऑफ माइंड दिया है, आपको लाइफ दी है और आपको पावर दी है। अब 23वीं लिखी है कि पवित्र आत्मा ले लो और अब तुम जिसके गुनाह माफ कर दोगे उसके गुनाह माफ हो जाएंगे और जिसके तुम गुनाह माफ नहीं करोगे उसके गुनाह माफ नहीं किए जाएंगे। खुदा ने आपको पवित्र आत्मा दे करके ऐसी पावर दे दी है, चार चीजें आपको दी है, खुशी दी है आपको, शांति दी है आपको, पावर दिया है, हुक्म दिया है और चौथा आपको नई जिंदगी दी है। ये चारों चीज़ें आज आपके पास हैं और चारों चीज़ों के आप मालिक हैं। लिखा हुआ है 23वीं आयत में कि जिसके गुनाह, पढ़ो विकार लेकर, जिसके गुनाह तुम माफ करोगे, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किया गए, और जिनके तुम रखो वे रखेंगे। इससे बड़ा तो और कोई खुदा का बड़ा कलाम आपके पास नहीं हो सकता कि आप खुदा के बेटे और आप खुदा की बेटियां हैं, खुदा के चुने हुए लोग हैं। आप सबसे बड़ा हुक्म दे दिया, सबसे बड़ी पावर आपको दे दी है। अब वो पवित्र आत्मा से गिराने वाले का काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो लिख दिया है कि जिसके गुनाह तुम माफ़ कर दोगे वो माफ़ हो जाएंगे और जिसके गुनाह तुम माफ़ नहीं करोगे वो माफ़ नहीं होंगे। अब लोगों को ज़मीनों पर गिराने की ज़रूरत नहीं, खुदा ने हर एक बंदे को ये पावर दे दी है। आजकल जो कुछ दंगा फसाद, बीमारियां, शिमारियां, जो वो सब गुनाहों की वजह से तो हो रहा है। जो तलवार से कत्ल करेगा वो तलवार से कत्ल किया जाएगा। पुराना ऐहदनामा लिखता है आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, हाथ के बदले हाथ, ठीक है। तो जैसा करेगा वैसा ही उसके सामने आ जाएगा, ठीक है। पर खुदा ने आपको एक नया हुक्म दे दिया है कि तुम जितनों के गुनाह माफ़ कर दोगे वो माफ़ कर दिए जाएंगे। शर्त ये है, शर्त ये है कि आपको ये काम जो दिया गया है खुदा में रह के पूरा करना है, खुदा से सामर्थ्य लेनी, खुदा से ताकत लेनी। आपके अंदर एक बल होना चाहिए कि आप कह सके जा तेरे गुनाह माफ। इसी से तो सारा रखड़ा तो यही था, खुदा कहता था जा तेरे गुनाह माफ़ हो गए। वो कहते थे ये कौन है, ये कौन नया बंदा आ गया जो गुनाहों को माफ़ कर देता है, ऐसा बंदा तो कोई आया ही नहीं। उसके अंदर एक पावर थी, उसके पास सामर्थ्य थी कि वो कह सकता था कि जा तेरे गुनाह माफ़ हो गए। आज वो सामर्थ्य, वो ताकत खुदा ने आप लोगों के हाथ में दे दी। आप इसको जानिए, सच्चे मन से दुआ करके कह दीजिए कि चीज़ें कि जा तेरे गुनाह माफ़ होते हैं, तुझे माफ़ किया जाता है, सचमुच में माफ़ हो जाएगा। आज पेंटेकोस्ट वाले दिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी निजी दुआ में जब शाम को जाएं, खुदा का सहायक जो है, जो खुदा ने आपको सहायक दे रखा है उसे मांगें कि खुदा के सहायक मेरी मदद करना, मुझे एक सहायक दे देना, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, खुदाया मेरी मदद करना अपने सहायक के जरिए। आज पेंटेकोस्ट का दिन है, खुदा का पवित्र आत्मा लोगों पर उतर रहा है और सारे लोग, सारा संसार खुदा के कलाम को जानने लग गया। उसका मतलब ये था कि जब खुदा बोलता है तो सारी दुनिया जो है वो सुनती, चाहे वो जर्मन में बैठा हो, चाहे अमेरिका में बैठा हो,
चाहे ऑस्ट्रेलिया में बैठा, चाहे लंदन में बैठा, कहीं बैठा, वो उस खुदा की भाषा को सब सुनते हैं। आज का पैगाम ये है, जब खुदा बोलता है तो उसकी उसकी आवाज़ को सारी भाषाओं वाले लोग जो हैं वो सुनते हैं। यही आपका खुदा आप सबको बहुत बरकत दे, आपको आशीष दे। आज के वचन के लिए, आज के कलाम के लिए हम खुदा का धन्यवाद करें और अपने हाथों को जोड़ देंगे, अपनी आँखें बंद करें। खुदा आज के इस वचन के लिए, आज के कलाम के लिए, आज हमने जान लिया है कि खुदा तू है, खुदा बेटा तू है और खुदा पाक रूह तू है। खुदा अपने इन तीनों चीज़ों का पहरा हमारे चारों तरफ रख खुदावंदा, ताकि हम शैतान की युक्तियों से बचा लिए जाएं, शैतान के फंदों से बच जाएं, सुलह और सलामती के साथ रहें, अपने परिवारों की, अपने अजीज दोस्त रिश्तेदारों की निगहबानी कर सकें। खुदावंदा हमें सच्चाई का रास्ता दिखा दे खुदावंदा, ताकि हम तेरे रूह से और सच्चाई से तेरी आराधना और तेरी स्तुति कर सकें। खुदावंदा आज के वचन के लिए, आज के कलाम के लिए तेरी बहुत बड़ी आशीष चाहता, बहुत बड़ी बरकत चाहता, कि आज के दिन को जो पेंटिकॉस्ट का दिन कहलाता है, पवित्र आत्मा का दिन कहलाता है, खुदावंदा उसे हम जान सकें, उसे हम पहचान सकते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। धन्यवाद।